हेलो फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा माइंड यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, चंद्रयान मिशन 2 के बारे में अक्सर आप देख भी रहे होंगे, फिलहाल करंटली चल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक क्वेश्चन और आंसर की वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो ये एक नई वीडियो है चंद्रयान मिशन 2 के बारे में। इससे पहले जो अगर आपने हमारा पार्ट अभी तक पहले वाला नहीं देखा तो उसको भी आप देख सकते हैं, पीछे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल, यहाँ पर हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन रखे हैं जो कि चंद्रयान मिशन 2 से संबंधित है, तो इसलिए प्लीज़ आपको बहुत ध्यान से समझने होंगे हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत ने अपने पहले चंद्रयान मिशन 1 को कब लॉन्च किया था? जी फ्रेंड, जो चंद्रयान 1 था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो उसका यहाँ पर सही जवाब है 2008 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान मिशन 2 के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर किसे बनाया गया है? जी यहाँ पर बात कर रहा हूँ चंद्रयान 2 की। ओके तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका सही जवाब है, ओके आपको एक बार फिर से बोलता हूँ, एम वनीता रितु करीधल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या रखा गया है? चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका सही जवाब है विक्रम। विक्रम यहाँ पर नाम रखा गया चंद्रयान 2 के लैंडर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 की ओवर का नाम क्या रखा गया है? चंद्रयान 2 की ओवर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, और वहाँ पर थी लैंडर की बात। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर इसका सही जवाब है प्रज्ञान। चंद्रयान 2 की ओवर का जो नाम रखा गया है, और नाम रखा गया है प्रज्ञान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 का अपना रोवर कहाँ पर उतरेगा? चंद्रयान 2 को जो रोवर है वो कहाँ पर उतरेगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका सही जवाब है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिण ध्रुव पर क्यों तार रहे हैं इसको? इसलिए तार रहे हैं क्योंकि वहाँ पर संभावना ये है कि खनिज वहाँ पर ज़्यादा निकल सकता है और पानी भी वहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए उसको वहाँ पर उतार रहे हैं। देखते हैं वहाँ पर क्या क्या हमें चीज़ मिलती है, तो इसलिए वहाँ पर उसको उतारा जा रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन कुछ नॉलेज मिलता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर चंद्रमा की सतह पर अपना रोवर उतरने वाला भारत का कौन सा देश होगा? एक बार फिर से बोलता हूँ, चंद्रमा की सतह पर अपना रोवर उतारने वाला भारत कौन सा देश होगा? मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह। ओके, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है चौथा देश होगा। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश का चंद्रयान बेरसेट पर सफल हो गया था? हाल ही में जो फिलहाल चल रहा था वो किस देश का चंद्रयान बेरसेट पर सफल हो गया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका सही जवाब है इसराइल का। ओके, इसराइल का फिलहाल ही में चंद्रयान बेरसेट पर सफल हो गया था। इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लिया करें क्योंकि इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में आ जाते हैं और सामान्य तो पूछे ही जा रहे हैं आजकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च करने में कितना खर्चा लगा? देखिए कैंप क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है जानना। चंद्रयान मिशन 2 को जो लॉन्च किया गया है उसका खर्चा कितना है, कितना वहाँ पर खर्चा लगा? ओके, तो चलिए यहाँ पर इसका सही जवाब है भैया 900 करोड़ रुपया। जी फ्रेंड्स, देखिए कितना पैसा लगा वहाँ पर, 900 करोड़ रुपया। अब इससे होगा क्या, वो तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाइए और पीछे की वीडियो भी 2 दिन पहले वो देख सकते हैं कि उससे क्या बेनिफिट हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वीडियो का 9वां क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचाने में कितने दिन लगेगा? चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचाने में कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा? ओके, यहाँ पर इसका सही जो है 53 से 54 दिन। ओके, 53 से 54 दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितनी है? जी फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। एक बार फिर से बोलता हूँ, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जवाब आपके स्क्रीन पर नजर आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो और प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। रोजाना इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, अपने खुद की नॉलेज को ग्रो करने के लिए, अपना खुद का एंटरटेनमेंट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताना आपको 10 क्वेश्चनों से कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा और कौन सा आपके समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।